फर्स्ट बुक आती है हमारे पास एवरी वोट काउंट्स, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं नवीन चावला। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जब मोदी जी के इलेक्शन हो रहे थे तब मोदी जी कहने लगे कि मैं अपने जो एक एक वोट है वो मैं खुद काउंट करूंगा, एवरी वोट है जो मैं खुद काउंट करूंगा। तो वहां के इलेक्शन कमिश्नर कहने लगे कौन है वे तू, ऐसे कैसे काउंट करेगा। तो मोदी जी कहने लगे मैं वही हूँ चाय वाला, चावला चाय वाला। तो इसका राइटर कौन हुआ, नवीन चावला। तो एवरी वोट काउंट्स के राइटर कौन है, नवीन चावला। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने लेके एक नई ट्रिकी वीडियो। फ्रेंड आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 प्लस इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, वो भी ट्रिक के साथ। अगर अपकमिंग एग्जाम में कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @itsgkguru। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद। फर्स्ट बुक आती है हमारे पास एवरी वोट काउंट्स, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं नवीन चावला। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जब मोदी जी के इलेक्शन हो रहे थे तब मोदी जी कहने लगे कि मैं अपने जो एक एक वोट है वो मैं खुद काउंट करूंगा, एवरी वोट है जो मैं खुद काउंट करूंगा। तो वहां के इलेक्शन कमिश्नर कहने लगे कौन है वे तू, ऐसे कैसे काउंट करेगा। तो मोदी जी कहने लगे मैं वही हूँ चाय वाला, चावला चाय वाला। तो इसका राइटर कौन हुआ, नवीन चावला। तो एवरी वोट काउंट्स के राइटर कौन है, नवीन चावला। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक आती है ओबामा, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं पीटर बार्कर। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो एक बच्चे को स्कूल में तीन लड़के हैं जो पीट के चले जाते हैं, नेक्स्ट डे वो अपनी मम्मी को साथ लेके जाता है तो वहाँ पे दो जो बच्चे हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक ही बच्चा आता है। तो वो अपनी मम्मी को कहता है मम्मी ओई ओबामा, ओई ओबामा, दो तो आया को नहीं, ओई ओबामा। तो क्या है, ओबामा, ओ ही हो बामा। तो क्या है, जो उसे पीट कर गए हैं, पीट कर, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पीट कर। तो बच्चा कहता है ओई ओबामा, दो तो बाकी आए नहीं, ओई ओबामा। तो इससे याद हो जाएगा ओबामा के राइटर कौन है, पीटर बार्कर। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है सेकेंड नाइट। अब इसके जो राइटर हैं वो है राजीव डोगरा। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेकेंड यानी दो, और यहाँ पे जो आंसर में भी क्या आ रहा है, दो। तो ईजिली आपको याद हो जाएगी कि सेकेंड नाइट किसकी रिटन है, राजीव डोगरा। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक आती है गर्ल वुमेन एंड अदर, तो इसके जो राइटर हैं बार्नाडाइन एविस्ट्रो। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो फ्रेंड इसके लिए मैंने पंजाबी में ट्रिक बनाई है। तो एक कुड़ी है जी गर्ल हैगी है, वो वूमेन कहती कि उधर ना जाई, बाहर ना जाई, अदर से वर्ड बनाया उधर। गर्ल है वूमेन कहती उधर ना जाई, बाहर ना जाई, तो वूमेन कहती बाहर की हैगी है, तो वह कहता बार ना डाइन हैगी है। कुड़ी कहती कि बार ना डाइन हैगी है, उधर ना जी। तो इजली याद हो गया गर्ल वूमेन अदर, जो इसके राइटर हैं बार्नाडाइन एविस्ट्रो। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक आती है द टेस्टामेंट्स, तो इसके राइटर हैं मार्गरेट एटवुड। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो क्या है, पड़ोस में एक बच्चा है वो अच्छे नंबर लेके आता है, तो आंटी उसके पास जाके कहती है, उसकी माँ से कहती है कि आपका बच्चा टेस्टामेंट से हमने वर्ड लिया टेस्ट, टेस्ट में इतने अच्छे नंबर कैसे लेके आता है। तो उसकी माँ बोलती कि मारो छोरो ग्रेट है, मारो छोरो ग्रेट है। तो इससे वर्ड बना मार्गरेट, कि मारा लड़का जो है ग्रेट है तभी वो टेस्ट में से अच्छे नंबर लेके आता है। तो इसका कैसे याद हो गया कि टेस्टामेंट्स के राइटर कौन है, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक आती है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये लिखी है श्री एम वेंकैया नायडू ने। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो फ्रेंड इसका भी ट्रिक मैंने पंजाबी में बनाया है। क्या है कि एक लड़का है जो आईलेट्स करता है और लिसनिंग लर्निंग और रीडिंग में अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो उसकी मम्मी अपने हस्बैंड से क्या कहती है कि श्रीमान वेख्या अपने मुंडे नू किन्ना वधिया पढ़ता है, किन्ने चंगे नंबर लेके आया है। अपने हस्बैंड नू कहती कि श्रीमान वेख्या, यहाँ से वर्ड बना श्री एम वेंकैया नायडू, और बुक कौन सी है, लिसनिंग लर्निंग और रीडिंग, जिसमें उसका जो बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है, तो कहती है श्रीमान वेख्या। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक आती है श्री देवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं सत्यार्थ नाइक। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक आती है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं संदीप शास्त्री। तो इसका ट्रिक ईजिली हो जाएगा, नाम में क्या आ रहा है शास्त्री, और इधर भी आ रहा है आंसर में शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के जो लेखक हैं वो कौन है, संदीप शास्त्री।
नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक आती है टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं राहुल अग्रवाल एंड भारती प्रधान। फिर से रिपीट करता हूँ, टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स। तो इसके जो लेखक हैं राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक आती है हैशटैग मोदी अगेन। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं आभास मल्दिहार। तो अभी इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखिए पिक में मोदी जी ने हाथ जोड़ रखे हैं और यहाँ पे नाम है आभास, अब बस कि अब बस एक बार और बना दो मुझे प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब बस एक बार और मुझे बना दो प्राइम मिनिस्टर। तो इसके जो राइटर हैं हैशटैग मोदी अगेन के, वो कैसे याद हो गए, आभास मल्दिहार। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक आती है बेशरम। और इसके जो राइटर हैं वो हैं तशिलमा नासरीन। अब बच्चा जिद कर रहा है कि मम्मी मुझे शिमला जाना है शिमला जाना है। तो उसकी मम्मी कहती है बेशरम तैं शिमला जाने से ना सर गे, तेरा शिमला जाने से ना सर गे। तो यहाँ से वर्ड बन गया तय से तैं शिमला, यहाँ से वर्ड बनाया हमने ना से न और सरन से सर है, तेरा शिमला जाने से ना सर गे बेशरम। तो यहाँ से हमें इजिली याद हो गया कि बेशरम के जो राइटर हैं वो हैं तशिलमा नासरीन। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट बुक आती है पैजामास आर फॉर गिविंग। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट बुक आती है फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं सुप्रीता दास। अब देखिए वर्ड आ रहा है फ्री हिट, अब जो फ्री हिट पे सिक्स लगा दे तो हम क्या कहेंगे, सुपर, बहुत अच्छा, फ्री हिट पे भी सिक्स लगा दिया इन्होंने। तो क्या है फ्री हिट से हमें सुपर से सुप्रीता दास। तो क्या है फ्री हिट के जो लेखक हैं वो हैं सुप्रीता दास। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट बुक आती है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं मारिया शारापोवा। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो दो बच्चे स्कूल में लड़ रहे थे तो टीचर ने आके एक की पिटाई लगा दी, तो एक रोता रोता दूसरे के लिए कहता कि सर इसे भी मारियो, सारा पूरा मारियो, जितने मेरे मारी है ना उतने ही मारिए, वो अनस्टॉपेबल। तो इजिली याद हो गया, अनस्टॉपेबल से हमने क्या बनाया कि जो टीचर है वो एक को अनस्टॉपेबल, रुकता ही नहीं, इतना ही मारता है, और साथ वाला कहता है कि सर इसे भी मारियो पूरा मारियो। इसे इजिली याद हो गया अनस्टॉपेबल का राइटर कौन है, मारियो शारापोवा। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक आती है द शेरशाह ऑफ कारगिल। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं दीपक सुराना। शेरशाह ऑफ कारगिल बुक के राइटर हैं दीपक सुराना। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक आती है साइलेंट पेशेंट। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं अलेक्स मैकेलिडीज। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक आती है चेंजिंग इंडिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और इसके राइटर हैं मनमोहन सिंह, ये तो आपको सभी को याद होगा। हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक आती है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं वाई वी रेड्डी। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ पे वर्ड आया है इंडियन और यहाँ पे लास्ट में देखिए रियलिज्म, रियलिज्म से हमने बनाया रीजन, सॉरी रिलीजन, रिलीजन धर्म के लिए जो इंडियन लोग होते हैं वो क्या है, हरदम क्या रहते हैं, रेड्डी, वाई वी रेड्डी। तो इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के जो लेखक हैं वो हैं वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट बुक आती है इंडिया पॉजिटिव। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं चेतन भगत। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इंडिया में जो पॉजिटिविटी के लिए लोग क्या करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। तो इसे इजीली याद हो गया इंडिया पॉजिटिव। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत, भगत से भक्ति करते रहते हैं किसके लिए, पॉजिटिविटी के लिए। हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक आती है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। इसके राइटर हैं मीनाक्षी लेखी एंड कृष्णा कुमार। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के लेखक हैं मीनाक्षी लेखी एंड कृष्णा कुमार। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट बुक आती है वानर। इसके जो राइटर हैं वो हैं आनंद नीलकंठन। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, वानर यानी मंकी। अब मंकी जहाँ भी होते हैं वो क्या है, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। तो इसे इजीली याद हो गया वानर से क्या याद हो गया, आनंद नीलकंठन। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट बुक आती है द वेलवेट ग्लोब्स। इसके जो राइटर हैं वो हैं बालकृष्णा कामत। द वेलवेट ग्लोब्स के राइटर हैं बालकृष्णा कामत। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक आती है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। इनके जो राइटर हैं वो हैं पी चिदंबरम। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था वो कहता कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जितनी भी सेविंग है वो सब अनडाउंटेड से, यहाँ वर्ड आ रहा है डोनेट,
डोनेट कर देना, कब, जब मैं मर जाऊँ, चीता। यहाँ से देखिए आंसर में आ रहा है चिताम्बरम, चिताम्बरम से चीता, कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी जितनी भी सेविंग है वो सब डोनेट कर देना। तो अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के जो राइटर कौन है, पी चिदम्बरम, चिदम्बरम से चीता के बाद जितनी भी सेविंग है वो डोनेट कर देना। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट बुक आती है इंडियन अनमेड, इसके जो राइटर हैं वो हैं यशवंत सिन्हा। इंडियन अनमेड के राइटर हैं यशवंत सिन्हा। लास्ट बुक आती है हमारे पास द थर्ड पिलर, इसके जो राइटर हैं वो हैं रघुराम जी राजन। अभी इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखिए बुक में आ रहा है थर्ड पिलर, तो तीन पिलर बना दिए हैं, किसके तीन पिलर, जिसके नाम आर से स्टार्ट हो, रघु, राम और राजन, तीनों ही आर से स्टार्ट होते हैं, तीन व्यक्ति हैं, तीनों भाई हैं, तीनों के पिलर हैं रघु, राम और राजन। इजीली याद हो जाएगा, थर्ड पिलर, तीन पिलर बने हुए हैं रघु, राम और राजन के। तो ये लास्ट में छोटा सा प्यारा सा प्रैक्टिस सेट आपके लिए, यहाँ पे मैंने 6 बुक्स दी हैं और यहाँ पे 6 राइटर दिए हैं, तो आपको अरेंज करके बताना है कि कौन से बुक्स के कौन से राइटर हैं, ये सब मुझे आप कमेंट में बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, और कमेंट में हमें अपना फेवरेट ट्रिक ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।